वेलकम टू माई न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप क्लास 2 मैथमेटिक्स. सो स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डू सम इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट विद अ स्टोरी. थ्री फ्रेंड्स, अ रैबिट, एन एलिफेंट एंड अ डियर वर प्लेइंग टूगेदर इन अ पार्क. यू कैन सी देयर आर थ्री एनिमल्स, रैबिट, डियर एंड एलिफेंट. डियर सेट, लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. यस, सो बच्चों, जो डियर है वो कहता है चलो देखते हैं स्टोन ब्रिज कौन क्रॉस करता है सबसे पहले. एक स्टोन का ब्रिज है, उसे क्रॉस करना था. तो डियर कहता है देखते हैं कौन पहले क्रॉस करेगा. ठीक है, तो एलिफेंट कहता है बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली. आपको भी पता है रैबिट और डियर जो है वो तो स्पीडली चलते हैं, है ना, तेज चलते हैं, और एलिफेंट जो है वो धीरे धीरे चलता है, मूव स्लोली. आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट. वो कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों में से ही कोई ब्रिज को पहले क्रॉस करेगा. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम. मैं गेम खेलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है मैं हार जाऊँगा. तो रैबिट कहता है डोंट वरी, लेट अस मेक अ रूल. हम एक रूल बना लेते हैं. वी विल नॉट रन, वी विल वॉक. हम दौड़ेंगे नहीं, हम तो वॉकिंग करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, वॉकिंग करेंगे. ठीक है, यस इट विल बी फन. तो रैबिट कहते हैं इसमें तो मजा है, इसमें तो फन है. तो देख सकते हैं दे स्टार्टेड क्रॉसिंग द स्टोन ब्रिज. वो क्रॉसिंग करना शुरू कर देते हैं, स्टोन ब्रिज पे चलना शुरू कर देते हैं, है ना. और दे स्टार्टेड द गेम, उन्होंने गेम शुरू की. आप देख सकते हैं वो चल रहे हैं उसके ऊपर, है ना. सरप्राइजिंगली एट द एंड एलिफेंट वॉन. और हुआ क्या, लास्ट में कौन जीता, एलिफेंट जीत गया. अब ये कैसे हुआ, कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन. क्या आप बता सकते हैं एलिफेंट कैसे जीत गया, क्योंकि वो तो धीरे धीरे चलते हैं, है ना, और वो भी वॉकिंग कर रहे थे. बट तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, बिकॉज एलिफेंट टेक्स लॉन्ग स्टेप्स. एलिफेंट जो होता है वो साइज में बड़ा होता है और वो लंबे लंबे स्टेप्स लेता गया, है ना, लॉन्ग स्टेप लिए उसने और वो जीत गया. जबकि डियर और रैबिट थे, उनके स्टेप्स छोटे होते हैं, वो साइज में छोटे होते हैं, तो उनके स्टेप्स भी छोटे होंगे. जो बड़ा होगा उसके स्टेप बड़े होंगे, है ना. तो एलिफेंट लॉन्ग स्टेप्स लेता है इसीलिए वो जीत गया. हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप. आप बताइए तीनों एनिमल्स में से, एलिफेंट, रैबिट और डियर, तीनों में से बिगेस्ट स्टेप किसका था, सबसे बड़ा कदम किसका था, है ना. तो वो किसका था, ऑब्वियसली एलिफेंट जीता है तो एलिफेंट का ही होगा, है ना. एलिफेंट टेक्स बिगेस्ट स्टेप बिकॉज एलिफेंट इज बिगर इन साइज. एलिफेंट बड़ा होता है तो उसके जो पैर होंगे, उसके जो कदम होंगे वो बड़े होंगे. जब आप पैर रख के चलते हो आगे की तरफ, जो बड़ा होता है वो लंबे कदम, लॉन्गेस्ट स्टेप लेता है, और जो साइज में छोटा होगा उसके स्टेप्स छोटे होंगे, है ना. तो एलिफेंट के स्टेप्स सबसे बड़े थे. देखिए बच्चों, हम यहाँ पे आपको लेंथ मेजर करना बताएंगे विद नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, अपने हाथों से, अपने पैरों से ही आप मेज़र कर सकते हो चीज़ों को. जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये है फुट स्पैन. आपका जो फुट की लेंथ है ये क्या है, फुट स्पैन. तो अगर आपको डिस्टेंस मेज़र करनी है, दूरी मेज़र करनी है, मापनी है, तो हम फुट स्पैन यूज़ कर सकते हैं. आपको क्या करना है, अपना एक पैर रखा और दूसरे वाला पैर उसके जस्ट आगे, फिर यहाँ से पिछले वाला पैर उठाओगे और यहाँ पे रख लोगे, है ना. और आप देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो पीछे वाला पैर था उसे उठा के आगे रख लिया, है ना. फिर दोबारा से हम इसको उठा के आगे रखेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने, इस लिटिल गर्ल है यहाँ पे, और इसने दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेज़र की है विद द हेल्प ऑफ हर फुट स्पैन, है ना. आप देख सकते हो यहाँ पे उसने फर्स्ट फुट रखा, यहाँ पे दूसरा पैर रखा, फिर पीछे वाला पैर उठाया, थर्ड, सेकंड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, है ना. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आप काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो टोटल डिस्टेंस हो गई 6 फुट स्पैन. तो आप भी अपने पैरों से मेज़र कर सकते हो. आपको जस्ट क्या करना है, जो पीछे वाला पैर है वो आगे रखना है, अपने दूसरे पैर से पैर को टच करते हुए मेज़र करना है ना.
वॉकिंग करनी है, पैर रखते जाओ और मेज़र करते जाओ, है ना। एक मेथड तो बच्चों ये होता है फुट स्पैन का, और एक और मेथड होता है उसे बोलते हैं पेस, है ना, कदम। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना कदम आप आगे रख सकते हो, जितना स्टेप आप ले सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ पेस इज द डिस्टेंस ऑफ वन फुल स्टेप, आप जितना पैर अपना आगे ले जा सकते हो कंफर्टेबली, कंफर्टेबल होकर, है ना, ये नहीं है कि आप काफ़ी लंबे लंबे पैर रखने लग जाओ, कंफर्टेबल तरीके से आप जितना पैर अपना आगे रख सकते हो उसे हम कहेंगे वन पेस। ये एक पेस है बच्चों, आप देख सकते हो, है ना। तो पेस से मेज़र कर सकते हैं, जैसे ये जो मैन है वो पेस से डिस्टेंस मेज़र कर रहा है, देखिए यहाँ पे उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से वन पेस, टू पेस, थ्री पेस, फोर पेस, आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब यहाँ पे वो कितने पेसेस इसने कवर कर लिए हैं, सिक्स पेसेस, है ना। तो आप फुट स्पैन से मेज़र करना मैंने आपको बता दिया, और दूसरा मैंने आपको बताया है पेसेस से मेज़र करना, मीन्स मैंने आपको पैरों से मेज़र करना बिल्कुल बता दिया है, ठीक है। तो आप भी अपने घर पे डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो, अपने बेड की डिस्टेंस अपने डोर से, रूम के डोर से मेज़र कर सकते हो, या डोर से विंडो की डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेसेस, है ना। या फिर आप डोर से विंडो की, या फिर एक वॉल की, एक दीवार की दूसरी दीवार से आप डिस्टेंस मेज़र करना जरूर, ठीक है। घर पे हो तो आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, वन वॉल से जो सेकंड वॉल है सामने वाली उसके अपोजिट, वहाँ तक आप पैरों से मेज़र करना और बताना कितने पेसेस हुए, ठीक है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, मैंने पहले भी बताया था, आपने देखा है एलिफेंट बिगर था तो उसने जल्दी ब्रिज को क्रॉस कर लिया था, है ना। तो यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही है, अब आप देख सकते हो ये है पापा और ये है सन, है ना, फादर एंड सन। तो आप देखिए बच्चों, फादर जो है उसके पैरों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, बिकॉज उसकी लेग्स जो हैं वो लॉन्ग हैं, वो साइज़ में बड़ा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसके पैरों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, है ना। तो अगर मैं दोनों को कहूँ कि तुम दोनों 10 पेसेस चलो, है ना, 10 पेसेस तक चलो, ये वन पेस हो गया, सॉरी बच्चों, यस, तो यहाँ से यहाँ तक वन पेस, टू, ठीक है, थ्री, फोर पेसेस तक देख लेते हैं, मैंने दोनों को बोला कि फोर पेसेस चलो, तो ये मैन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे, है ना। और अगर मैं इस बच्चे को फोर पेसेस के लिए बोलूँ, अगर मैं इस बच्चे को कहूँ कि तुम भी फोर पेसेस चलो, तो ये चलेगा वन, इसका स्पेस छोटा है वन, है ना, यहाँ पे हो जाएगा इसका टू, थ्री, फोर। तो आप देख सकते हैं जो बच्चे के पेस की जो लेंथ थी, पैरों की जो लेंथ थी, वो स्मॉल थी, तो वो छोटी सी दूर डिस्टेंस कवर कर पाया, है ना। और जो ये मैन था, इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। तो बच्चों, आप छोटे हो तो आपके पेसेस ज़्यादा होंगे, और वहीं पर अगर आपके फादर या मदर अपने पैरों से मेज़र करेंगे डिस्टेंस को, तो वो ज़्यादा होगी, है ना। छोटों के आपका साइज़ छोटा है, है ना, तो आपके पेस भी छोटे होंगे, और आपके फादर मदर का साइज़ बड़ा है, हाइट ज़्यादा है, है ना, पैरों की लेंथ ज़्यादा है, तो उनका जो पेस होगा वो बिगर होगा, है ना। देखो, दोनों ने ही फोर स्टेप कवर किया था, फोर स्टेप में ये ज़्यादा दूर चले गए, और फोर स्टेप में ये बच्चा थोड़ी ही दूर गया, है ना। तो ऐसा होता है पेसिस में, तो इसीलिए तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हैं। अब ये बच्चा कहेगा तो फोर तो यहाँ बन रहा है पापा, है ना, और फादर कहेगा नहीं बेटा, फोर तो यहाँ पे बन रहा है, तो कन्फ्यूज़न रहेगी, है ना। तो बच्चों, आज मैंने आपको फुट स्पैन और पेसिस के बारे में बताया है, कल मैं आपको क्यूपिट एंड हैंड स्पैन के बारे में बताऊँगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।